हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं स्टॉक्स के लिए। तो आज के जो स्टॉक्स रिकमेंडेड थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट में, तो हम कल बात कर लेते हैं, कल की बात कर लेते हैं 15 जून 2023 के लिए। तो जो पहला स्टॉक हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो 28 मार्च से अब ट्रेंड में चल रहा है, और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी दिनों तक ये इसी लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, और आज भी इसी लेवल पे मार्केट ने आकर सपोर्ट लिया है। 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं तो दो रेड कैंडल्स देखने को मिली है वीक वॉल्यूम के साथ। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं फिर से हमें डाउन साइड पे मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन लास्ट आवर की जो कैंडल है ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया, यहाँ से हमें अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। फिर हमारे को एक और रेड कैंडल मिली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, लेकिन ये रेड कैंडल की जो बॉडी है ये वीकनेस नजर आ रही है, यहाँ पर वीकनेस शो कर रही है क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के बावजूद ये मार्केट प्राइसेस को नीचे नहीं गिरा पाए। इसलिए ग्लेनमार्क जो है आपको बाय साइड रिकमेंडेड होगा। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 644.90 के पास, 644.90 में हमारा टारगेट रह सकता है। और हमारा जो एसएल रहेगा वो हमारी सपोर्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे की साइड रहेगा अराउंड 632.95 के पास या 633 आप कह सकते हैं, 633 इसमें आपका एसएल रह सकता है। तो ये लेवल्स रहेंगे ग्लेनमार्क के लिए। अब हम लास्ट स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं वो है तेजस नेट। तेजस नेट 714.30 का स्टॉक है। अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट अब से मोमेंटम ले रही है, और यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूसली हमें रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है, तो यहाँ से मार्केट ऑब्वियसली इस लेवल से सपोर्ट ले सकती है। 4 आवर्स के चार्ट पर अगर हम स्विच करें तो यहाँ से देखिए मार्केट ने हमें एक डोजी टाइप कैंडल दिया है, और 1 आवर के चार्ट पर अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ से हमें मार्केट में एक लास्ट जो कैंडल है वो हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, और वो भी वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ। तो डाउन साइड का मोमेंटम बन रहा था, अपसाइड का मोमेंटम आया और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आया, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो जाती है मार्केट के लिए। इसलिए तेजस नेट जो है वो आपको बाय साइड के लिए रिकमेंडेड होगा। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 720 के पास, और इसका जो एसएल रहने वाला है हमारी सपोर्ट लाइन से बाहर की तरफ सेट करेंगे हम अराउंड 709.60 के पास। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए आप कल के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।